नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव बोले हैं कि कांग्रेस ने बहुत इंतजार करवाया है, अब कोई गठबंधन नहीं होगा। तो मायावती के बाद अब अखिलेश के भी बागी सुर नजर आ रहे हैं। बीएसपी के बाद अब सपा ने भी महागठबंधन बनने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित वरिष्ठ शिक्षक सम्मेलन के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमें लंबे समय तक इंतजार करवाया, लेकिन अब और इंतजार हम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए अखिलेश ने कांग्रेस भले ही गठबंधन से इनकार किया हो, मगर बीएसपी के साथ गठबंधन के रास्ते बंद नहीं किए हैं। अखिलेश ने कहा है कि दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में गठबंधन के लिए उनकी पार्टी बीएसपी से गठबंधन पर बातचीत कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मायावती के बाद भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका दिया। इस झटके से कांग्रेस कैसे उबर पाती है, वाकई देखना खासा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है 2019 में कांग्रेस का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। डेली डायरी की रिपोर्ट।